नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप YouTube से किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हो। अगर आपको जल्दी YouTube से पैसा कमाना है तो आप कैसे कमा सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसे चैनल्स दिखाऊंगा जो सिर्फ एक महीने के अंदर ही इतना ज्यादा ग्रो कर गए हैं। और होता क्या है कि जैसे किसी प्लेटफॉर्म का कोई नया फीचर अगर आता है तो वो प्लेटफॉर्म खुद उसको लॉन्च करता है। और आज के टाइम में आपको पता है कि जब से टिकटॉक बैन हुआ है तो सभी प्लेटफॉर्म्स ने, जैसे इंस्टाग्राम ने अपनी रील और यूट्यूब ने अपने शॉर्ट्स और भी काफी सारी ऐसी ऐप्स हैं जो ग्रो कर गई हैं। उसका मेन रीजन यही है कि कंपनी को दिखाई देता है कि अब इस टाइम में लोगों को टिकटॉक की आदत पड़ चुकी है और अगर हमारी इंडिया के अंदर टिकटॉक नहीं है तो किसी और प्लेटफॉर्म को हम यूज करेंगे, यह लोगों की सोच होती है। तो आप देख ही रहे उस चीज को, जो यूट्यूब और टिकटॉक की लड़ाई थी इसमें सबसे ज्यादा फायदा इंस्टाग्राम को हुआ है। उसके अलावा यूट्यूब को भी इससे काफी फायदा हुआ है क्योंकि यूट्यूब ने भी अपना फीचर लॉन्च किया है शॉर्ट्स का, आप उससे भी पैसे कमा सकते हो। उसका मैं तरीका आपको अब बताऊंगा कि आप कैसे उससे पैसे कमा सकते हो। उसका क्या होता है कि जैसे आप YouTube पे शॉर्ट्स डाल रहे हो, अभी आपको ये चीज पता होगी कि YouTube के ऊपर 5 मिनट से और ऊपर की, मतलब 1 मिनट से ऊपर की ही ऑलमोस्ट वीडियोज हैं और 1 मिनट से नीचे की जो वीडियो है वो बहुत कम है। तो YouTube क्या कर रहा है, जितनी भी वीडियो है उनको बार बार लोगों को दिखा रहा है, उसमें से वो सेग्रीगेट कर रहे हैं, जो अच्छी वीडियोज है उनको आगे लेके आ रहे हैं और जो नहीं है उनको नहीं लेके आ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने अभी कोई शॉर्ट्स वीडियो अपलोड की है तो YouTube के पास कंटेंट बहुत कम है। तो ऐसे में क्या होता है कि किसी प्लेटफॉर्म के पास जितना भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपकी जो वीडियोज है, अगर आपने कोई अच्छी वीडियो बनाई है तो अगर कम कंटेंट है, YouTube ऐसे तो लोगों की वीडियो रिकमेंड नहीं करता है, लेकिन अगर आपके पास कंटेंट कम है तो YouTube को वो रिकमेंड करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी वीडियो ग्रो कर सकती है। और आप देख रहे होंगे कि आपने देखा भी होगा कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो अभी YouTube पे वीडियो बनानी शुरू की हैं शॉर्ट्स और उनके शॉर्ट्स वायरल हो गए हैं जिससे लोग उनको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अभी क्या हो रहा है कि जो चैनल्स हैं उनके नीचे जो वीडियो स्क्रॉल होती है तो उसमें नीचे ही ऑप्शन आता है सब्सक्राइब का, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहो तो वहां से डायरेक्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आगे क्या होगा कि आगे जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा लोगों को जाएगा, जिससे क्या होगा कि ज्यादा लोग आपकी वीडियो को देखेंगे। और अगर 1 मिनट की वीडियो है तो लोग उसको देख ही लेते हैं, आपको एक चीज अच्छे से पता है कि आदमी चलता फिरता भी उस वीडियो को देख लेता है शॉर्ट्स में, जैसे वो वीडियो आती है और उसका अगर थंबनेल बढ़िया है तो आदमी उसको देख ही लेता है कि 10-15 सेकंड की वीडियो है, इसके अंदर क्या है, ऐसी क्यूरियोसिटी वाली अगर आप थंबनेल लगाओगे तो लोग देख ही लेते हैं उसको। दूसरा ये होता है कि अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो तो यूट्यूब उस चीज को भी आपकी खंगालता है कि अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे फेमस हो तो यूट्यूब उसकी वीडियो जरूर रिकमेंड करता है। आप देखना कोई मोस्ट, कोई अगर पहले इंस्टाग्राम पे था या कोई टिकटॉक पे था, जैसे ही उसने चैनल बनाया है तो वो एकदम वायरल हो गया। उसके वायरल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि यूट्यूब उसका बैकग्राउंड भी उठाता है, जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा और आज तक किसी ने ये चीज आपको बताई भी नहीं होगी। YouTube क्या करता है, YouTube ये चीज देखता है कि इस बंदे का अगर उस प्लेटफॉर्म पे इतनी फॉलोअर्स हैं तो YouTube क्या सोचता है कि अगर हमें इसको इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा वर्किंग करने के लिए लाना है, अगर ये Instagram पे काम करता है और अगर हम चाहते हैं कि YouTube पे काम करें ताकि ये कंटेंट बनाएगा और इसको देखने वाले लाखों लोग हैं, तो अगर Instagram इस चीज का फायदा उठा रहा है तो हम भी इसका फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा प्रमोट करना पड़ेगा ताकि इसको भी लगेगा कि YouTube मुझे प्रमोट कर रहा है और उससे ये YouTube के ऊपर और ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि YouTube की डायरेक्ट इनकम है। जैसे Instagram के ऊपर आपका क्या है, स्पॉन्सरशिप्स आती हैं और मेल्स आते हैं, उनके थ्रू ही आपको इनकम आती है, लेकिन यूट्यूब का क्या है, एड रिवेन्यू है, आपको किसी से बात नहीं करनी। अगर आप स्पॉन्सरशिप भी नहीं करना चाहते तो तब भी डायरेक्ट आपके पास पैसे आ सकते हैं, बस आपको अपना मोनेटाइजेशन ऑन करवाना है और उसके लिए YouTube आपकी हेल्प करेगा ही। तो ऐसे में अगर आप चाहो तो आप अपने शॉर्ट्स को वायरल कर सकते हो, आपको बस कंटिन्यूअस शॉर्ट्स डालने हैं, उससे आपके शॉर्ट्स वायरल होने के चांस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जो कंसिस्टेंसी होती है वो आपकी सक्सेस की सबसे पहली सीढ़ी होती है। अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने काम को लेके तो YouTube भी उस चीज को देखता है। और वो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जो है वो यही चीज बोलते हैं कि हमारा 1 साल के बाद चैनल ग्रो होने लगा, हमारा 1.5 साल के बाद ग्रो होने लगा, लेकिन जैसे ही ग्रो होने लगा उसके बाद उसकी जो स्पीड थी वो ऐसे नहीं थी, वो ऐसे थी। तो उसका मेन रीजन यही है कि YouTube पहले देखता है कि ये कितना कैपेबल है, ये काम कर सकता है नहीं कर सकता, उसके बाद ही जाके आपका कंटेंट ऊपर आता है। और कंटेंट अगर आपने अच्छा बनाया है तो आपकी वीडियो जरूर वायरल होगी। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप शॉर्ट्स बनाइए और कंसिस्टेंटली शॉर्ट्स बनाइए और कोशिश कीजिए अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनाने की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अभी जनवरी से शुरू हुए थे जिनके मिलियंस में फॉलोअर जा चुके हैं। और आपको बहुत सारे ऐसे चैनल भी मिलेंगे जो टिकटॉक पे थे या इंस्टाग्राम पे थे, जो जैसे यूट्यूब पे आए हैं तो वो भी बहुत जल्दी ग्रो हुए हैं। उनका मैंने आपको रीजन बताया कि कैसे ग्रो हुए। इसलिए अगर आपको ग्रो होना है तो आप शॉर्ट्स के थ्रू ग्रो हो सकते हो
और आपकी पक्का कोई ना कोई शॉर्ट जरूर वायरल होगी जिसके थ्रू आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर आ जाएंगे। और अगर आपका एक शॉर्ट्स वायरल हुआ और उसमें अगर कम से कम आपके 1 मिलियन व्यूज आए तो उसमें से आपको 10,000 लोग तो फॉलो करेंगे ही करेंगे और उससे आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। तो आप ऐसे करके अगर आपकी 20-30 शॉर्ट्स वायरल हो जाती है तो वैसे ही आपके लाखों में सब्सक्राइबर चले जाएंगे। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी यूट्यूब से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।